Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 9, Text Number 16. Is Adhyatmik Gyan mein pravesh karne se pehle Guru aur Gauranga se Krupa ki yachna karte hue Mangala charan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain uska pura pura labh prapt ho sake, jo ke hai Krishna prem ki prapti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Guruvi Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guruhu Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishamsha Shri Rupam Sagrijatam Sahakana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahakana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita Mata Ki Jai Ho. Adhyay 9, Shlok Sankhya 16. अत्यंत ही अद्भुत शब्द है भगवान के द्वारा, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाच्यम अहमग्निर अहम हुतम अहम क्रतुर अहम यज्ञः Swadhaham aham aushadam Mantroham aham evachyam Aham agnir aham hutam Aham katur aham yakyah Swadhaham aham aushadam Mantroham aham evachyam Aham agnir aham hutam. शब्दात अहम अर्थात मैं हूँ, क्रतु कहते हैं वैदिक अनुष्ठान, ये जो कर्म कांड होता है उसको कहते हैं क्रतु। आगे भगवान कहते हैं अहम यज्ञ, अहम यानी मैं, यज्ञ मतलब स्मार्ट यज्ञ, स्मार्ट कर्म जो है वो भी मैं हूँ। और आगे कहते हैं स्वधा, स्वधा मतलब तर्पण, वो भी मैं हूँ। अहम औषधम जो जड़ी बूटी है वो भी मैं हूँ। मंत्र अर्थात दिव्य ध्वनि वो भी मैं हूँ। अहम एव
आज्यम, अहम यानी निश्चय ही मैं, आज्य मतलब धृत, जो घी होता है, जो मक्खन को पिघल कर घी बनता है उसको बोलते हैं आज्यम। अहम अग्निर, अग्नि भी मैं हूँ। अहम हुतम अर्थात आहुति यानी भेंट भी, जो आहुति होती है वो भी मैं हूँ। अनुवाद देखिए, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तिरपण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है, पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे धृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वह भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी हुई वस्तुएं भी कृष्ण है, अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि पांच तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ में भी पूर्ण रूप से कृष्ण है, अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारी वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति कीरं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं। भगवत गीता चैप्टर 9 जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, ये बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है जिसको राज विद्या कहा जा रहा है। और भगवान कह रहे हैं यह वो नॉलेज है, यह वो ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद मोक्ष से अशुभात, जितने भी भौतिक क्लेश हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान हमें भौतिक संकटों से, भौतिक क्लेशों से मुक्त होने के लिए विधि बता रहे हैं। अभी भगवान ने श्लोक नंबर 11 में बताया कि वास्तव में तो ये पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, सब कुछ मेरे द्वारा होता है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं और मेरे स्वरूप की का उपहास करते हैं, और वो मेरा उपहास करते हैं, मुझे स्वीकार नहीं करते, मुझे शरण में नहीं आते, इसके कारण उनके किए जाने वाले सारे कार्य जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं। मोघ आशा मोघ कर्मा मोघ ज्ञान विचेतस, उनके उनके पास तो कुछ भी नहीं बचता, उन्होंने जो भी कार्य किया, राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता, वो सदैव राक्षसी स्वभाव वाले रहेंगे, मोहग्रस्त रहेंगे, और सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी कुछ उनका निष्फल हो जाएगा। उसके बाद भगवान ने दो श्लोकों में उन महात्माओं के विषय में बताया जो भगवान की बात पर पूरी की पूरा विश्वास करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान ने कहा, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूताधिनव्ययम्। ये महात्मा जन मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं और वो अनन्य भाव से, अनन्य मतलब और कोई नहीं, केवल कृष्ण की ही सेवा करते हैं, अनन्य भाव से ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वो मुझे भूत आदि यानी जितने भी प्राणी हैं उनका आदि, उनका स्रोत मानकर और अव्यय अविनाशी मानकर मेरी पूजा करते हैं। और उनका कार्य क्या है, उनका बहिरंग लक्षण क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम
यतन्तस्य दृढ़मृता ननस्यन्तस्य माम भक्तनिति, वो सदैव मेरा कीर्तन करते रहते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ यत्न करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। इतना बताने के बाद यहाँ तक भगवान ने उन दोनों चीजों को बिल्कुल सही तरह से समझा दिया। दो श्लोकों में उनको जो कि भगवान की बात को पूरा का पूरा सत्य मानते हैं और सारी जीवन का लक्ष्य भगवान को समझकर भगवान की शरण में जाते हैं, और दूसरे वो जो भगवान की बात को बिल्कुल गलत मानते हैं और भगवान की बात को अस्वीकार करते हैं, तो उनका क्या हाल होता है। ये सब दोनों भगवान ने बता दिए। अब यहाँ से भगवान ने एक टर्निंग पॉइंट लिया श्लोक नंबर 15 से। श्लोक नंबर 15 में भगवान ने उन व्यक्तियों के विषय में बताया जो भगवान की बात को या भगवान को पूरा सही तरह से नहीं समझते और पूरा गलत भी नहीं समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, वो अलग अलग ज्ञान यज्ञ के द्वारा अलग अलग उपासना करते हैं। कभी किस तरह से, एकत्वेन मतलब अहंग्रह उपासक कि मैं और भगवान, हम नित्य, मैं नित्य हूँ, जीव आत्मा नित्य है और भगवान नित्य है, इसलिए वो स्वयं आत्मा की उपासना करने लगते हैं, मतलब आत्मा और परमात्मा को नित्य मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं। ये एक अधिकृत विधि है, ये मायावाद नहीं है। मायावाद मतलब भगवान को कुछ न मानना, भगवान का अस्तित्व नहीं है ऐसा, भगवान का अस्तित्व भी माया है ऐसा समझना। लेकिन ये जो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, ये सब वेदों में अधिकृत तरीके हैं भगवान को, भगवान की उपासना करने के। तो भगवान आज जो बता रहे हैं वो इसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि जो लोग पृथक्त्वेन विभिन्न तरीके से अलग अलग पूजा कर रहे हैं, वो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और भगवान की पूजा अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो आज भगवान बोल रहे हैं कि भले ही वो अलग अलग तरीकों से पूजा कर रहे हैं, परंतु ये सब तरीके जो हैं वो भी वास्तव में मैं ही हूँ। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम, वो क्या करेंगे, यज्ञ करते हैं ना, क्रतु मतलब वैदिक अनुष्ठान, जो वेदों में बहुत सारे कर्म कांड लिखे हुए हैं उनके द्वारा यदि वो यज्ञ कर रहे हैं तो वो क्रतु भी मैं हूँ। अहम यज्ञ जो स्मार्ट कर्म है जो वेदों में लिखे हुए हैं, श्री प्रभुपाद जी ने बताया स्मृति में वर्णन महायज्ञ जो बहुत बड़े यज्ञ होते हैं वो भी मैं हूँ, और उसके दौरान मतलब यज्ञ करते समय जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं वो भी मंत्र हम अहम एवाज्यम, जो मंत्र पढ़ते वक्त जो घी डाला जाता है, आहुति डाली जाती है, वो सब मैं ही हूँ। तो यहाँ पर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि ये सब भगवान इतना प्राउड क्यों कर रहे हैं कि ये सब मैं हूँ, ये सब मैं हूँ, सब मेरी शरण में आओ। क्या भगवान को जीव की शरणागति की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान को जीव की शरणागति की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान की एक इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि जीव, क्योंकि मेरा अंश है, वो आनंदित हो जाए, कि वो जीव, जो जितने भी जीव हैं, भगवान उनको दुखी नहीं देखना चाहते। भगवान जो हैं वो चाहते हैं कि सब जीव आनंदित हो जाएं, क्योंकि इस भौतिक जगत में वो दूसरे तरीकों से अब जो यज्ञ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हैं, कर्तृ कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं या फिर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उनका अल्टीमेटली गोल क्या है, वो आनंदित होना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये तो तरीके से उनको वास्तविक सुख मिलेगा नहीं ना, ये अलग अलग तरीकों से यदि वो मेरी पूजा करेंगे, कर तो वो मेरी, देखो भगवान ने यही कहा ज्ञान यज्ञ चाप्यन्य यजन तो माम उपासते, वो जो भी कर रहे हैं मेरी उपासना कर रहे हैं, परंतु क्योंकि ये सही विधि नहीं है इसलिए वो सही इसका जो वास्तविक लक्ष्य यानी आनंद है वो भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसे भगवान बहुत उत्सुक होते हैं कि किसी तरह से यह जीव जो अलग अलग तरीकों से आनंद प्राप्त करना चाहता है उसको यह ज्ञान हो जाए कि
क्योंकि वो मेरा नित्य अंश है और ये पूरी भौतिक प्रकृति मेरा ही एक अंश है, मेरी ही प्रकृति है, तो वास्तव में यदि इस जीव को आनंदित होना है तो केवल मेरी सेवा करके ही आनंदित होगा। इसलिए भगवान हमें ये बता रहे हैं। और क्योंकि भगवान सुहृदम सर्वभूतेषु, भगवान जो है वो सारे जीवों का, जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, चाहे वो अपनी काम वासना, अपनी इंद्र तृप्ति के कारण किसी भी योनि में क्यों न चले जाएं, तो भगवान उनके सुहृद हैं। भगवान चाहते हैं ऐसा कि वो सब अपनी इस दुख भरी हालत से निवृत्त हो जाएं और अपने वास्तविक आनंदमय, क्योंकि भगवान सच्चिद आनंद है और जीव सच्चिद आनंद भगवान का अंश है। तो भगवान यहाँ पर अभी भगवान परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, अर्जुन को बताया कि इदम तुते गुह्यतमम, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो गुह्यतमम है, मोस्ट सीक्रेट है, और क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ज्ञान विज्ञान सहितम, ये ज्ञान प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं तुमको, ये करके आप वास्तव में मोक्ष से अशुभात, जितने भी भौतिक क्लेश हैं उनसे मुक्त हो जाओगे। लेकिन बाद में भगवान ने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस बात पर शंका होने लगेगी, इसलिए भगवान ने कहा अशुद्धतानः पुरुषा धर्मस्यास परंतप, हे परंतप, जो पुरुष, जो जीव, जो लोग इस मैं जो बात बता रहा हूँ उस पर श्रद्धा नहीं रखता, वो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकेंगे और बारम्बार दुखी होते रहेंगे। अभी ये भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में आप अगर विविध रूपों के द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो वो सारा का सारा मैं ही हूँ। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम, कि सब कुछ मैं हूँ, आप खाली मेरी शरण में आ जाओ। क्रतु अर्थात जो वैदिक कर्म कांड है उनके द्वारा तुम खुश होना चाहते हो तो वो करने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आ जाओ क्योंकि क्रतु भी मैं हूँ। यज्ञ करके आनंदित होना चाहते हो तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पवित्र नाम का जप करो तो यज्ञ का भी फल तुम्हें मिल जाएगा। स्वधा हम अहम औषधम, औषधि प्राप्त करके तुम यदि आनंदित होना चाहते हो, अपने आप को पुष्ट बनाना चाहते हो तो वो भी मैं हूँ। तुम्हें हर वो चीज जो कि तुम्हें आवश्यक है तुम मेरी शरण में आकर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ, अहम अग्निर अहम हुतम, सब कुछ मैं ही हूँ। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है, अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर दिए। अगर वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो उनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आगे चल के भगवान श्री कृष्ण 18.66 में कहते हैं सर्वधर्मान प्रतिचित सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रज, जितने भी बाकी धर्म हैं उनको साइड में रख दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं एकत्रेन पृथक्त्वेन बहुधा उनके विषय में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सुनकर एकदम चकित हो जाते हैं कि सारा का सारा कृष्ण के शरण में पूरा का पूरा कैसे, मुझे भी तो आनंदित होना है ना, मुझे भी तो आनंद चाहिए, मैं अगर खाली कृष्ण की शरण में चला गया तो मेरा आनंद तो गया ना, मैं इस भौतिक जगत में जीव आया है आनंद लेने के लिए, तो वो अलग अलग तरीके से अपनी भौतिक बुद्धि से आनंदित होना चाहता है। जैसे अगर आपने बहुत सारा धन कमाया हो और प्राइम मिनिस्टर आपके पास आ जाए और कहे कि ये सारा का सारा धन मुझे दे दो, तो आप कहोगे कि नहीं, सारा का सारा धन क्यों दूं, आप मुझे टैक्स बताओ, मैं आपको टैक्स दे दूंगा, लेकिन सारा का सारा धन क्यों दूंगा आपको, मैं इसमें से 1,000 रुपए दे दूंगा, 10,000 में से 1,000 दे दूंगा 1%, और बाकी जितने पैसे हैं वो मैं अपने आनंद के लिए रखूंगा। उसी प्रकार भगवान क्या कहते हैं कि देखो
आप पूरे के पूरे मुझे शरण, मेरी शरण में आ जाओ। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रज, मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो। मगर जीव कहता है नहीं, मुझे आनंदित होना है, मुझे उसका एक दूसरा रास्ता बताओ। कोई दूसरा रास्ता है क्या? शास्त्र क्या कोई दूसरा रास्ता बताता है कि जीव कैसे आनंदित हो? तो इसका उत्तर यही है, हाँ, जीव अगर भौतिक आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए दूसरे रास्ते हैं जो कि वैदिक कर्म कांड है। अभी कोई लोग बोलते हैं ना इस तरह कि वेदों में फिर लिखा हुआ ही क्यों है कि इस तरह से यज्ञ करोगे तो आपको आनंद मिलेगा, ये करोगे तो आनंद, तो ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि डायरेक्ट से वो भगवान की शरण में जाना नहीं चाहता। अब जीव भगवान की शरण में जाना नहीं चाहता, भौतिक आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भौतिक आनंद प्राप्त करने का एक सही रास्ता तो देना पड़ेगा ना, वरना तो वो गलत रास्ते से आनंद लेगा। तो इसीलिए वेदों में देवताओं की भक्ति, ये यज्ञ का अनुष्ठान, ये इस तरह से करके यज्ञ करके आनंदित होने के तरीके बताए गए हैं। जैसे कोई जीव कोई यज्ञ क्यों करता है ना, इसका उत्तर भगवान बताते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 34 में, नहीं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 43 में भगवान कहते हैं, कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुना भोगेश्वरीय गतिम प्रति। वो बहुत सारे कार्य करता है और उसका कार्य, उस गति क्या है उसकी, भोगेश्वरीय, वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वैदिक कर्म कांड करता है। ये भगवान बता रहे ना, अहम क्रतुर अहम यज्ञ, ये सारे क्यों करता है, क्योंकि वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, भोग करना चाहता है। तो इस सब यज्ञ के दौरान वो भोग करना चाहता है, लेकिन भगवान आगे कहते हैं क्योंकि वो भोग इंद्रिय सुख का है। आगे भगवान बताते हैं 5.22 में कि यह संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौनते नतेषु रमते बुद्ध। इस भौतिक शरीर के द्वारा इस भौतिक जगत में आप कोई भी यज्ञ करके या देवताओं की उपासना करके या कुछ भी करके बहुत सारा धन अर्जित कर लो, बहुत सारी शक्ति अर्जित कर लो, बहुत सारा सब कुछ अर्जित कर लो, परंतु दुख योनय एवते, वो तो आपके दुख का कारण बनेगा। इस प्रसंग में बहुत सारे उदाहरण हैं, हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ किए हों और भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए, भौतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन आखिर उन्हीं के द्वारा उनका विनाश हो जाता है, दुखी हो जाते हैं वो जो भौतिक वस्तुओं, और एक न एक दिन वो सब समाप्त हो जाते हैं, आद्यंतवंत कौनते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो ना तेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान है वो ये कार्य नहीं करते हैं, उनके लिए ये कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भोग तो आपके दुख का कारण बनेंगे, तो फिर क्या करें? तो भगवान बताते 2.70 में कि भले आपके मन में इच्छा आती है, आप इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर धारण करके बैठे हो, तो कोई ना कोई वस्तु को प्राप्त करने की, कोई ना कोई आनंद को प्राप्त करने की आपके मन में इच्छा आती है, तो इच्छा को आने दो, उसको मत रोको, लेकिन उसको पूरा करने की कोशिश मत करो किसी भी तरीके से। भगवान कहते हैं 2.70 में, आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तत्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, कि जिस प्रकार समुद्र जो है उसके अंदर बहुत सारी नदियां आती रहती हैं, लेकिन वो जितनी भी नदियां आती हैं वो विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार आप जीव को भी क्या चाहिए, उसके हृदय में भले इच्छा आती रहे परंतु वो उन इच्छाओं से विचलित नहीं हो, उनको संतुष्ट करने की, तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, कामनाएं तो आती रहेंगी लेकिन उन जिस तरह समुद्र विचलित नहीं होता है, कामनाओं के द्वारा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर न काम कामी, अगर कामनाओं को पूरा करने की कोशिश में आप कुछ भी करोगे तो आप दुखी हो जाओगे, लेकिन आपका वास्तविक लक्ष्य तो शांति प्राप्त करना है, तो
अग्नि में घी डाल के अग्नि को बुझा नहीं जा सकता, उसी तरह से इच्छाओं को पूरा करके इच्छाओं को खत्म नहीं किया जा सकता। इच्छाएं होंगी, भले ही इच्छाएं हों, लेकिन उनको पूरा करने कर करके आप शांत नहीं हो सकते, बल्कि समुद्र की तरह अविचलित भाव से सदैव स्थिर रहेंगे, तभी शांति प्राप्त होगी। सर शांति मापनोति, वही शांति प्राप्त करेगा जो समुद्र की तरह लहरों नदियों को आते रहती हैं, लेकिन उससे विचलित नहीं होता है। उसी तरह इच्छाएं यदि मन में आती हैं, तो उसके लिए स्ट्रगल करने की, उसको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको अविचलित भाव से सहन करें और ऐसी इसी तरह से उसे संतुष्टि प्राप्त होगी। और यही बात आज भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्योंकि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करोगे, तो वास्तव में लक्ष्य तो मैं हूँ, अहम क्रतुरहम यज्ञ सदाम, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हर वैदिक अनुष्ठान का तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा यदि तुम मेरी भक्ति करोगे तो, क्योंकि इन सब कार्यों के द्वारा तुम आनंदित होना चाहते हो, और क्योंकि तुम मेरा अंश हो, तो अंश के आनंदित होने का एक ही तरीका है कि वो पूर्ण की सेवा करे। जब अंश पूर्ण की सेवा करता है तभी वो सुखी होता है। इसीलिए जब जीव आत्मा भगवान की सेवा करता है तभी वो वास्तव में जितने भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी होम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसके द्वारा जीव आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं वो तरीका गलत है। आगे भगवान बताएंगे। अभी देखो भगवान श्लोक नंबर 16 से लेकर श्लोक नंबर 25 तक यही लोगों के बारे में बताएंगे जो कि पृथक्त्वेन है, अलग अलग तरीकों से भगवान की पूजा अलग अलग तरीकों से भगवान की पूजा करके आनंदित होना चाहते हैं। तो भगवान उनके विषय में बताएंगे कि वो इस तरह से चाहते तो आनंद प्राप्त करना है, परंतु वो तरीका अलग है। 23 में भगवान ये भी कहेंगे, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामे में कौनते यजंत अविधि पूर्वकम, कि अलग देवी देवताओं की भी पूजा करते हो, तो देवी देवता भी तो मेरे ही अंश है ना, तो एक तरह से आप मेरे को ही पूजा करते हो, लेकिन वो तरीका गलत है। जिस प्रकार से अभी देखो, अगर आप वृक्ष की जड़ में पानी नहीं डालते हो, आप खाली वृक्ष की पत्तों में पानी डालते हो, तो पत्ते के अंदर जो पानी डाला है वो भी थोड़ी देर के बाद टपक के फर्श पे गिरेगा, और फर्श पे गिरने के बाद वो जड़ में जाएगा, और जड़ को पानी मिलेगा तो वृक्ष सिंचेगा। लेकिन ये तरीका तो गलत है ना, कि आप हर एक पत्ते को पानी दो। आप अगर हर एक पत्ते को पानी दोगे तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। उसी तरह भगवान ये बता रहे हैं कि यदि आप दूसरे दूसरे तरीकों से खुद को आनंदित करना चाहोगे तो ये बहुत तरीका कठिन हो जाएगा। इसलिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली मेरी भक्ति करोगे तो सारा फल प्राप्त हो जाएगा। और उन विभिन्न कार्यों के द्वारा, क्योंकि आप आनंदित होना चाहते हो, तो आप यदि मेरी भक्ति करोगे तो खाली मेरी भक्ति करने से ही आपको वो सारे के सारे आनंद, सारा का सारा आनंद प्राप्त हो जाएगा। और उस आनंद में, और जो भौतिक कार्य करके आप आनंदित प्राप्त करना चाहोगे, उसमें डिफरेंस ये होगा कि आप जो दूसरे कार्यों के द्वारा आनंद प्राप्त करोगे, जो देवताओं के द्वारा आपको वस्तु मिलेगी, वो तो अनित्य होगी, जैसा भगवान ने 7.23 में बताया था। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत यल्प मेधसाम देवान देव यजुयान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम, उनका जो फल होगा वो खत्म होने वाला होगा, क्षीण होने वाला होगा। किनका? तद भवत यल्प मेधसा, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं। कम बुद्धि वाले मतलब वो डायरेक्ट से मेरी शरण में नहीं आते हैं, लेकिन आनंद प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते बनाते हैं, वो देवताओं के पास चले जाते हैं, और उनको जो फल प्राप्त होता है अंतवत्तु, वो अंत समाप्त होने वाला है। और देवान देव यजो यान्ति, दूसरी बात, देवताओं के पुजारी देवताओं के पास चले जाएंगे। मद भक्ता यान्ति माम अपि, और जो मेरे भक्त होंगे वो मेरे पास आएंगे, और जो देवताओं के पास चले जाएंगे उसका क्या अंजाम होगा वो तो आगे भगवान अभी श्लोक नंबर 20 में बताएंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है आगे इस अध्याय में। अभी भगवान ये बता रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसका वास्तविक लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है, और तुम्हें आनंद केवल मेरी
शरण में आकर ही प्राप्त होगा, तो फिर आपको मेरी शरण में ही आना है। इससे तुम्हारे बाकी सारे कार्य स्वतः हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।